बक्सर पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल एक वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी महदा स्थित उसके घर से हुई है। मनमोहन चौहान उस मोहन चौहान नामक यह अपराधकर्मी विभिन्न मामलों में वांछित था। जानकारी देते हुए एसपी मनीष कुमार ने बताया कि इस पर कुल 9 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं, जो विभिन्न हालांकि वर्तमान में 3 मामलों में इसकी तलाश हो रही थी जिनमें यह फरार चल रहा था। उनमें से एक में अजमानतीय वारंट प्राप्त हुआ था। सुनिए एसपी ने क्या कहा। हमारा टॉप 10 का एक अपराधी जो है मोहन चौहान, उसकी गिरफ्तारी उसके घर से ही कल की गई। ये वर्तमान में हमारे 3 कांड में मुफस्सिल थाना के वांछित था। इसके अलावा इसका अजमानतीय NBW जो है वो डुमराव में भी था और ये बहुत ही एक्टिव अपराधी था। पिछले महीने इसने 2 लूट की भी घटना की थी, उसमें मोटरसाइकिल बरामद हुई थी पूर्व में और कल इसके पास से लूट का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। कितने कांडों में वांछित ये अभी वर्तमान में 3 कांडों में वांछित था और एक में इसका नॉन अवेलेबल वारंट थाने में था, प्राप्त था। ये अपने घर से ही पकड़ाया है। ये टॉप 10 में था। ये सर पुलिस इसे कितनी बड़ी सफलता मान रही है सर, पकड़े जा रहे थे ये टॉप 10 अपराधी में से एक था, तो ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। नाम क्या है सर इसका? मोहन चौहान नाम है। इनाम भी इनाम उसी मिली थी, लोग कराने की प्रक्रिया में थे, उसके पहले ये गिरफ्तार हो। सर सिर्फ 3 ही इसके खिलाफ FIR हैं? इस पे ऑल टुगेदर 9 FIR हैं, जिसमें 3 में ये वांछित था, बाकी 6 में ये बेल आउट हो चुका है, उसमें कार्रवाई हो चुकी है। किस किस तरह का अपराध इसमें? बेसिकली ये लूट डकैती आर्म्स एक्ट के मामलों में संलिप्त था। क्या हत्या का भी आरोप है? हत्या का कोई कांड इस पे दर्ज नहीं है। 3-7 वगैरह आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। हत्या का प्रयास का। बक्सर पुलिस ने टॉप 10 सूची में शामिल एक वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी महदा स्थित उसके घर से हुई है। मनमोहन चौहान उस मोहन चौहान नामक यह अपराधकर्मी विभिन्न मामलों में वांछित था। जानकारी देते हुए एसपी मनीष कुमार ने बताया कि इस पर कुल 9 मामले अभी तक दर्ज किए गए हैं, जो विभिन्न हालांकि वर्तमान में 3 मामलों में इसकी तलाश हो रही थी जिनमें यह फरार चल रहा था। उनमें से एक में अजमानतीय वारंट प्राप्त हुआ था। सुनिए एसपी ने क्या कहा। हमारा टॉप 10 का एक अपराधी जो है मोहन चौहान, उसकी गिरफ्तारी उसके घर से ही कल की गई। ये वर्तमान में हमारे 3 कांड में मुफस्सिल थाना के वांछित था। इसके अलावा इसका अजमानतीय NBW जो है वो डुमराव में भी था और ये बहुत ही एक्टिव अपराधी था। पिछले महीने इसने 2 लूट की भी घटना की थी, उसमें मोटरसाइकिल बरामद हुई थी पूर्व में और कल इसके पास से लूट का मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ है। कितने कांडों में वांछित? ये अभी वर्तमान में 3 कांडों में वांछित था और एक में इसका नॉन अवेलेबल वारंट थाने में था, प्राप्त था। ये अपने घर से ही पकड़ाया है। ये टॉप 10 में था। ये सर पुलिस इसे कितनी बड़ी सफलता मान रही है सर, पकड़े जा रहे थे ये टॉप 10 अपराधी में से एक था, तो ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। नाम क्या है सर? इसका मोहन चौहान नाम है। इनाम भी हो चुके हैं? इनाम उसी मिली थी, लोग कराने की प्रक्रिया में थे, उसके पहले ये गिरफ्तार हो। सर सिर्फ 3 ही इसके खिलाफ FIR हैं? इस पे ऑल टुगेदर 9 FIR हैं, जिसमें 3 में ये वांछित था, बाकी 6 में ये बेल आउट हो चुका है, उसमें कार्रवाई हो चुकी है। किस किस तरह का अपराध इसमें? बेसिकली ये लूट डकैती आर्म्स एक्ट के मामलों में संलिप्त था। क्या हत्या का भी आरोप है? हत्या का कोई कांड इस पे दर्ज नहीं है। 3-7 वगैरह आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। हत्या के प्रयास का।